और एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां लोकायुक्त की छापेमारी चल रही है। 9 जिलों के 56 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। बीबीएमपी के राजस्व अधिकारी बसवराज मैगी के आवास पर ये छापेमार कार्रवाई हो रही है और अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी ली है। छापेमारी में 100 से ज्यादा अधिकारी शामिल है। कलबुर्गी, मैसूर, दावणगेरे, मांडिया, चित्रदुर्ग, धारवाड़, बेलगाम, कोलार, हसन के जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर इस वक्त ये रेड चल रही है। तो इस छापेमारी में 100 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कर्नाटक में लोकायुक्त की टीम ये छापेमारी कर रही है। वहीं देखिए, कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर सियासी विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद असल में नामकरण को लेकर हो रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के एक प्रस्ताव पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल डिप्टी सीएम के नेतृत्व में गए एक प्रतिनिधिमंडल में सीएम सिद्धारमैया से रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को कहा है। कर्नाटक सरकार में डिप्टी सीएम शिवकुमार ने बताया कि जिले के गौरव को बनाए रखने के लिए हमने रामनगर, मागडी और कनकपुरा में सभी के साथ चर्चा की है। मेरी अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। हम चाहते हैं कि रामनगर के बजाय इसका नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ जिला रखा जाए। हालांकि सीएम सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव पर ये साफ कह दिया है कि इस पर कैबिनेट को फैसला लेना है और इसके लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा जाएगा। लेकिन बीजेपी ने डीके शिवकुमार के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इस कदम का मकसद केवल रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ाना है। उधर जेडीएस नेता कुमार स्वामी ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है और कहा है कि सत्ता में आते ही हम फिर से इसका नाम रामनगर कर देंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रुपौली अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का इलाका है। रुपौली की जनता ने जेडीयू को नकार दिया है। 20 सालों से जेडीयू को वोट देने के बाद भी इलाका इतना पिछड़ा क्यों है। साथ ही पप्पू यादव ने कांग्रेस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जहां खड़ी रहेगी वहां पप्पू यादव रहेगा। वर्ली हिट एंड रन केस पर बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है, उनके आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हिट एंड रन मामले में दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम शिंदे ने आरोपी राजेश शाह को लेकर कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पीड़िता को सहयोग देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुंबई के दौरे पर जा रही हैं। 3 दिन के दौरे पर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी। जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे के साथ बैठक कर सकती हैं और इस मीटिंग में राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा भी हो सकती है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में मुख्यमंत्री की उद्धव ठाकरे से मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर को आखिरकार खोलने के आदेश आ गए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। किसान संगठन एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ सकते हैं। दिल्ली में बीते कई महीनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जबरदस्त पानी की किल्लत के चलते लोग काफी परेशान हैं। बारिश के बाद भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। बुधवार को ईस्ट ऑफ कैलाश में महिलाओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बारिश में भीगकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई महिलाओं ने खाली बाल्टियां बजाकर, कुछ महिलाओं ने मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया है।